हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम्स किचन। आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ कीवी लैमिनेट की रेसिपी, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत टेस्टी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी टेस्टी कीवी लैमिनेट कैसे झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आई एम श्योर आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो बातें बंद करते हैं और कीवी लैमिनेट की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने दो कीवी फ्रूट ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनको चॉप कर लेंगे। देखिए, एकदम परफेक्ट कीवी है, ना तो कच्ची है ये, ना ही बहुत पकी हुई है। तो मैं इसके पील को उतार देती हूँ। हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो कीवी को मैंने चॉप कर लिया है, चलिए बाकी के स्टेप्स कर लेते हैं। तो मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ कीवी जो हमने चॉप किए थे अभी। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शुगर। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। नाउ अगेन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कीवी कितनी खट्टी है, मीठी है, आप लेमन को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं अभी इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और हम अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है। चलिए फटाफट से कीवी लैमिनेट बनाते हैं। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है, मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ डाल देती हूँ। मैं अभी डाल रही हूँ 2 बारीक कटे हुए कीवी के पीसेस, 1 लेमन की स्लाइस। जो हमने इतना बढ़िया ये कीवी का मिक्सचर बनाया है, इसको डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। आप चाहे तो यहाँ पर स्पार्कलिंग वाटर यानी सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़ा सा स्टर कर देंगे अच्छे से सब चीजों को। और मैं लैमिनेट को गार्निश करूंगी एक कीवी के साथ। तो ये टेस्टी कीवी लैमिनेट हमारा तैयार है। आपने देखा हमने इसे कितनी आसानी से बना लिया। आई एम श्योर दोस्तों आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको ये लैमिनेट कैसा लगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन।